सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग किस वीडियो में देखने वाले हैं? क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल जो होता है उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है। पहले हम लोगों को पता चला कि एटम होता है, फिर बाद में पता चला कि थॉम्सन और बहुत सारे जो गोल्डस्टीन ऐसे लोगों के कारण हम लोगों को पता चला कि एटम के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें रहती हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोले। फिर हम लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं किसी भी एटम के नंबर में बराबर नंबर पर होते हैं। इनको एक को हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, दूसरे को पॉजिटिव साइंस से डिनोट करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन कर लिया था, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी एटम के अंदर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बराबर होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं किसी भी एटम के अंदर में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। क्या वो एक ही जगह इकट्ठा रहते हैं कि सारे पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर अपना दोस्ती बनाकर अलग रखते हैं, नेगेटिव वालों से दूर रहते हैं, या नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में पेयर बनाकर रहते हैं। किस तरीके से एटम के अंदर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके लिए थॉम्सन ने जो है क्या क्या अपना एक एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। मतलब उस समय तक एकदम माइक्रोस्कोपिक स्टडी तो हो नहीं पा रही थी, उस समय की बात ही है। तो उस समय जब हमारे पास माइक्रोस्कोप उतने पावरफुल नहीं होते थे, तो ये लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से समझ कर क्या करते थे, मॉडल प्रेजेंट करते थे, और उसके मॉडल में जो भी बातें होती हैं उसको लोग क्या करते थे, उस पर डिस्कशन करते थे, और सही होता था तो उसको सही मान लेते थे। उसी तरीके से थॉम्सन ने क्या एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, आपको यहां पर पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि जे जे थॉम्सन ने जो एटॉमिक मॉडल जो सजेस्ट किया उसका नाम क्या था, तो प्लम पुडिंग मॉडल था ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एटम हैज स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर एम्बेडेड इन सच वे दैट द चार्ज आर बैलेंस्ड। इन्होंने बोला कि जो एटम होता है उसका जो शेप होता है वो इस तरीके से स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, और उस स्फेरिकल शेप के अंदर में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके से दूर 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 क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और नेगेटिव चार्ज भी इस तरीके से बीच बीच में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इस तरीके का मॉडल जो है इन्होंने समझाया। अब देखो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटरमेलन टू अंडरस्टैंड दिस मॉडल। इस मॉडल को समझने के लिए हम लोग जो तरबूज होता है उसका एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे से लेकर समझ सकते हैं कि तरबूज के अंदर में जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जे.जे. थॉम्सन ने बोला कि उसी तरीके का स्ट्रक्चर किसका होता है, एटम का होता है। अब तरबूज को जब आप काटोगे तो आपको क्या दिखेगा, रेड पोर्शन दिखेगा। देखो, सो द रेड पोर्शन ऑफ द वाटरमेलन इज पॉजिटिव क्लाउड। मतलब जैसे तरबूज को आप काटोगे तो तरबूज को काटने के बाद आपको वहां पर क्या दिखेगा, रेड वाला हिस्सा दिखेगा, तरबूज पका हुआ रहेगा। तो जिस तरीके से तरबूज को काटने से रेड कलर का पूरा हिस्सा होता है, उसको मान लीजिए कि वो जो रेड कलर जो दिख रहा है वो आपका पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और उस रेड कलर के बीच में जो सीड्स होते हैं, सीड्स कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं, उसके बीच में तरबूज के अंदर में, तो वो जो ब्लैक सीड्स जो होते हैं उसको क्या बोला इन्होंने, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बैठे होते हैं। मतलब तरबूज को काटेंगे तो उसका रेड वाला हिस्सा जो होगा वो कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसमें जो ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज होते हैं। और इस तरीके से तरबूज को बंद कर देते हैं तो वो एक एटम जैसा जो है दिखता है, ऐसा उन्होंने उससे कंपैरिजन करके जो है बताया। तो लोगों के पास उस समय तो कोई इसको क्या बोलते हैं कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था, तो उस समय लोगों ने क्या क्या था इसके मॉडल को जो है क्या क्या था बहुत समय तक जो है एक्सेप्ट कर लिया था, सही मान लिया था। सिंस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज एन एटम इज सेम, देयर फॉर द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और उन्होंने बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी जो है होता है। द एटॉमिक थ्योरी अंडरवेंट मेनी चेंजेस बिटवीन 1908 टू 1900 एज मोर एंड मोर न्यू इन्फॉर्मेशन बिकम अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। लेट अस रीड अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखो 1908 तक के लिए ये जो प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो बिल्कुल सही था कि तरबूज जैसे बाहर से बंद होता है वैसी एटम होता है, एटम के अंदर में देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तरबूज को काटना पड़ेगा, तरबूज को काटेंगे तो रेड कलर का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, और जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो उसी तरीके से थॉम्सन का मॉडल जो है सक्सेस हो जाता है काफी समय के लिए। लेकिन बाद में जो है एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड क्या करते हैं पूरा जे.जे. थॉम्सन के किए धराए पर क्या करते हैं, पूरा पानी फेर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनका मॉडल जो है क्या था। अब इन्होंने क्या क्या, देखो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था
अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल मतलब वो वही पॉजिटिव बात हो रही है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने जो है इस एक्सपेरिमेंट को करके जो है रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल जो है रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ई रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट गीगर एंड मार्सडन कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो था ई रदरफोर्ड का और उसके दो स्टूडेंट गीगर एंड मार्सडन, ये उसके दो छात्र हैं। मतलब कॉलेज में जैसे होते हैं ना, एक प्रोफेसर होता है फिर उसके पीछे काम करने वाले बहुत सारे होते हैं, तो उसी तरीके से रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, एक का नाम था गीगर और दूसरे का नाम क्या था मार्सडन। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को मिलकर किया था। इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट दे बोम्बार्डेड अ थिन गोल्ड फॉइल विद द हाईली एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर मास इज इक्वल टू द मास ऑफ हीलियम एटम। मतलब इन्होंने क्या क्या, देखो एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया, उन्होंने जो है एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब जिस पर फोटो छपी जा सकती है, जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट आता था ना, तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचाता था फिर उसको साफ करते थे, तो उसी तरीके से एक फोटोग्राफिक प्लेट इन्होंने इस तरीके से लिया और इसको मोड़कर इस तरीके से रख दिया। फिर यहां पर बीच में इन्होंने क्या रखा, गोल्ड फॉइल को रखा। गोल्ड मतलब सोने का परत, ठीक है, क्योंकि गोल्ड को इसके लिए चूज किया इन्होंने, क्योंकि गोल्ड को आप मतलब एक लिमिट के बियॉन्ड तक भी आप उसको पतला कर सकते हो। सबसे पतला जो, सबसे जो ड्यूरेबिलिटी जो होता है वो सबसे पतला फॉइल किसका बन सकता है, गोल्ड का बन सकता है। तो इन्होंने इसीलिए गोल्ड को चॉइस किया कि उसको हम लोग एकदम पतला से पतला बना सकते हैं, इसीलिए गोल्ड को लिया। और इन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। मतलब अल्फा पार्टिकल मतलब बेसिकली समझ लो जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद अगला एटम कौन होता है, हीलियम होता है। तो बिल्कुल हीलियम का जितना मास होता है ना, उतना ही मास के बराबर जो है उन्होंने अल्फा पार्टिकल को लिया। डिफरेंस क्या है कि हीलियम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, बीच में एक खाली रास्ता छोड़ दिया जिसको हम लोग स्लिट बोलते हैं, और चारों तरफ जो है इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया और बीच में गोल्ड फॉइल का लगाकर यहां से जो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग जो है इन्होंने कर दी। अब देखो यहां पर जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की तो इस तरीके से उनको स्ट्रक्चर जो है दिखा। अब इसका मतलब क्या देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझते हैं। तो इन्होंने क्या क्या सोचा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इज इन फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम। अब अगर हम लोग जे जे थॉमसन के मॉडल को सही मानते हैं तो उन्होंने क्या बोला था कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप में जो है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इन्होंने सोचा, किसने सोचा, रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर ये बात सही है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी एटम का जो मास है वो सब जगह बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक एटम है और इस एटम का मास फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 100 ग्राम है, होता नहीं है बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, 100 ग्राम है। तो जे जे थॉमसन के हिसाब से यहां एक ग्राम होगा, 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 और इस तरीके से सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है बना हुआ होगा। अगर थॉमसन की बात को माने तो इस तरीके से होगा, और इसी बात को मानकर जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अगर थॉमसन का मॉडल अगर सही है तो सारे जगह पर जो है मास कैसे होने चाहिए, इवनली जो है स्प्रेड जो है होने चाहिए। Therefore, Rutherford expected the alpha particles would change direction by only by the small angle as they passed through the foil, but this did not happen. Rutherford observed that. अब यह सोचकर Rutherford ने क्या किया, गोल्ड फॉइल को लेकर जो इसके ऊपर में जब अल्फा पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये शुरू में क्या सोच रहे थे कि देखो किसी भी एटम के अंदर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैसे हैं, तरबूज में जो लाल कलर होता है मतलब बहुत बड़े हिस्से में क्या है, पॉजिटिव है। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये मान लेते हैं गोल्ड फॉइल है और इसमें इस तरीके से सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और अगर इसमें अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा है, पॉजिटिव, और एटम में अंदर में क्या है, पॉजिटिव। तो ये सोचिए कि जब एटम जो है जे.जे. थॉमसन के मॉडल के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो जो भी मैं अल्फा पार्टिकल्स भेजूंगा वो अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव आपस में रिपल करके क्या होंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब कहने का समझो कि जे.जे. थॉमसन के मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब कहीं पे खाली जगह नहीं होता, हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये जो गोल गोल मैंने किया है ये सब मान लीजिए कि हमारे क्या है, पॉजिटिव हैं, और ये जो डॉट डॉट जो छोटा छोटा जो दिख रहा है ये समझ लीजिए कि ये नेगेटिव हैं। जे जे थॉमसन के हिसाब से इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है होता है।
अब इसको सही मानकर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे कि अगर मैं इस पे जो है एक अल्फा पार्टिकल्स को भेजूंगा, ठीक है, मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल के नेचर कैसा है? पॉजिटिव। और तब तक हम लोगों को पता चल गया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपल करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो जब यह पॉजिटिव किसी एटम के अंदर में घुसेगा तो रास्ते में कुछ ना कुछ पॉजिटिव से तो टकराएगा ही, और जैसे ही पॉजिटिव से टकराएगा तो इसको इस तरीके से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव से टकराने के कारण क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा और थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करके या तो ऊपर चला जाएगा या तो इस तरीके से नीचे चले जाएगा। वो ऐसा सोच रहे थे और इनकी सोच बिल्कुल सही भी थी क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने क्या पाया, चाहिए होना क्या था, अगर थॉमसन का मॉडल सही था तो जब भी अल्फा पार्टिकल्स जाएगा किसी पॉजिटिव एटम के पास, जैसे ये किसी एटम को, इसको मैं और छोटा करके बता रहा हूं ना, इसको और जूम करके बता रहा हूं, ये एक एटम के अंदर में पॉजिटिव पार्टिकल, मतलब इस तरीके से प्रोटॉन यहां पर प्रेजेंट है, यहां से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो अल्फा पार्टिकल जब आएगा तो यहां पर क्या होना चाहिए कि ये पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल का नेचर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसीलिए ये सीधा ना जाकर इस तरीके से अपने रास्ते से थोड़ा सा ऊपर या तो ऊपर चले जाएगा या तो इस तरीके से नीचे चले जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं। और इस तरीके से सारे अल्फा पार्टिकल्स यहां से ऐसे टकरा टकरा कर ऐसे जो है वापिस जो है आ जाने चाहिए, ऐसा सोचकर वो उस एक्सपेरिमेंट को जो है कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट जो है इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, देखो ध्यान से, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो पाया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्टिंग, विच शोज दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ये कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसमें जितने चाहे स्टार लगाना चाहो आप लगा सकते हो। तो इन्होंने क्या पाया कि अगर एटम जो है एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जे.जे. थॉमसन के हिसाब से होते तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स घूम के वापस आ जाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने क्या पाया कि अगर हम लोग यहां से अल्फा पार्टिकल्स को भेज रहे हैं तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधा सीधा इस तरीके से चले जा रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सीधा चले जा रहे हैं? तो भाई इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के सेटअप में देखो यहां पर क्या लगा है, पीछे फोटोग्राफिक प्लेट लगा है जहां पर उनको समझ में आ गया कि अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो निकले थे यहां सोर्स से वो मैक्सिमम सीधा सीधा चले जाते हैं। इसका मतलब बीच के रास्ते में पॉजिटिव नहीं आया, क्योंकि अगर ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं और इनका नेचर पॉजिटिव है, अगर इस तरीके से बीच बीच में अगर इनको क्या मिल जाता, पॉजिटिव चार्ज मिल जाता, तो ये सब इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाते, लेकिन डिफ्लेक्ट तो एक भी नहीं हो रहा था। तो इसने उन्होंने कंक्लूजन ये बताया कि एटम का जो मोस्टली जो पार्ट होता है, मतलब मैक्सिमम पार्ट जो होता है एटम का, वो क्या होता है, वो जो है खाली होता है। तो जे.जे. थॉमसन ने बोला था कि सब जगह बराबर भरा हुआ होता है, इन्होंने बोल दिया कि बिल्कुल गलत बात है, ये तो एटम का मैक्सिमम पोर्शन कैसा होता है, खाली होता है। तो ये जे.जे. थॉमसन के मॉडल को पहला ये झटका था। दूसरा झटका क्या है, देखो, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड विच शोज दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। अब इन्होंने ये बोला, देखो दूसरा पार्ट इन्होंने बोला कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अपने रास्ते से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब इस तरीके से जा रहे होते हैं, जाना चाहिए था ऐसा सीधा, लेकिन बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि अपने रास्ते से इस तरीके से डिफ्लेक्ट होकर जो है क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इससे इन्होंने क्या समझ में आया कि एटम का जो चार्ज होता है, स्पेशली जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, किसी एक छोटे से जगह पर ही क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। क्योंकि अगर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे तो वो आने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं उसको अपने पास आने से क्या करेंगे, रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पोर्शन तो खाली था, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है क्या है, प्रेजेंट है। दूसरा कंक्लूजन ये था। तीसरा कंक्लूजन क्या था, देखो, ओनली 1 in 20,000 पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 एंड वेंट बैक ऑन द सेम पाथ व्हेन इट इज कोलाइड विद द गोल्ड फॉइल। इफ द अल्फा पार्टिकल इज बाउंसिंग बैक देन इट मींस दैट द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन द एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन एट नॉट स्प्रेड यूनिफॉर्म। दिस मीन मास ऑफ द एटम वाज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। और इन्होंने एक और चीज पाया कि जिस तरीके से यहां पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे इस तरीके से, तो 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक आक अल्फा पार्टिकल्स
यूनिवर्स ऐसा था जो कि जिस रास्ते से गया है वो 180 डिग्री टर्न कर पूरा का पूरा घूम कर फिर से क्या होता है वापिस आ जा रहा है इस तरीके से। मतलब ये एक अल्फा पार्टिकल, इसको जाना चाहिए था ऐसा सीधा, लेकिन ये पूरा 180 डिग्री टर्न होकर उसी रास्ते पर वापिस आ रहा है। मतलब जरूर इसके रास्ते में कोई बहुत भारी चीज आया होगा, इसका मतलब यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या हुए होंगे, इकट्ठा हुए होंगे इस तरीके से, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है उसको दूर से ही वापिस भेज दिए होंगे कि जाओ यहां से करके, और बाकी सब जो थे इस तरीके से दूर दूर से भाग गए, इस तरीके से ऊपर से, इस तरीके से नीचे से, इस तरीके से बाकी सब भाग गए, लेकिन एक जो सिर्फ जो इसके सेंटर में जो था उसके रास्ते में जब आ रहा था तो इन्होंने बोला नहीं नहीं रुको तुम वापस जाओ करके। तो इस तरीके से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा था, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर टर्न करके वापस चले जाता है। इसका मतलब किसी भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक ही जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने कौन सा भेजा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को रिपल कौन करेगा, पॉजिटिव ही करेगा, और कितना बहुत स्ट्रॉन्गली रिपल करके वापस भेज रहे हैं, इसका मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक ही जगह पर जो है क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। तो रदरफोर्ड का तीन एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन क्या है, पहला एटम का मैक्सिमम पोर्शन जो होता है खाली होता है। थॉमसन भाई साहब जो अभी तक बोल के वाह वही लूट रहे थे कि एटम के अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव सब जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो बिल्कुल गलत है। दूसरा रिजल्ट उन्होंने ये बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब ऐसे जगह जहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब वहीं आसपास पर क्या है पॉजिटिव चार्ज जो है क्या है एक्यूमुलेट होते हैं, सब जगह नहीं होते हैं। और इन्होंने एक और कंक्लूजन दिया कि हर 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो कि क्या हो रहा है, जिस रास्ते से गया रहता है उसी रास्ते पर वो 180 डिग्री घूम कर क्या होता है वापिस आ जाता है। इसका मतलब जरूर रास्ते में बहुत भारी चीज से वो टकराया होगा, और यही भारी चीज का नाम इन्होंने आगे चलकर जो है क्या दिया, न्यूक्लियस दिया, जहां पर जो है क्या सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं इकट्ठा होते हैं। और इसी चीज के लिए फिर इनको नोबेल प्राइज मिल गया। देखो अभी तक तो कहानी यही चलते आ रही है ना, जो कुछ भी नया चीज बताता है उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है। थॉमसन को मिला, फिर उसके बाद जो है गोल्डस्टीन को मिला, फिर उसके बाद जो है ये भाई साहब आ गए रदरफोर्ड को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो आदमी आते जा रहा था उस समय उनको इनके काम के कारण जो है क्या मिलते जा रहा था, नोबेल प्राइज जो है मिलते जा रहा था। On the basis of this observation, Rutherford proposed that the positive charge, most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region. This called very small portion of the एटम न्यूक्लियस। और इन्होंने कहा कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं किसी एटम के अंदर में एक बहुत छोटे से जगह पर कंसंट्रेटेड होते हैं, और इन्होंने इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस दिया, ठीक। अब इन्होंने पॉजिटिव के बारे में तो बता दिया, अब नेगेटिव का क्या होगा, तो नेगेटिव का इन्होंने बोला देखो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग राउंड द न्यूक्लियस इन अ डिफरेंट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। और इन्होंने बोला कि सेंटर में इस तरीके से सारे के सारे पॉजिटिव बैठे हैं और इसके चारों तरफ अलग अलग सर्कुलर पाथ में, मतलब एक सर्कुलर पाथ, दूसरा सर्कुलर पाथ, तीसरा सर्कुलर पाथ, चौथा सर्कुलर पाथ, इस तरीके से जो है क्या होते हैं सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते हैं, और इन सर्कुलर पाथ का नाम उन्होंने क्या दिया, ऑर्बिट दिया। तो दो चीज यहां पर आपको समझ में आई होगी, एक न्यूक्लियस मतलब किसी भी एटम का सेंटर वाला हिस्सा जहां पर सारे के सारे पॉजिटिव इकट्ठा होते हैं, और उसके चारों तरफ घूमने वाला जो सर्कुलर पाथ है जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट दिया। Thus, Rutherford came up with the nuclear model of an atom on the basis of his experiment, but did not describe the distribution of electron. अब ये भाई साहब बस यहीं तक बोलकर रुक गए, ये आगे के बात को नहीं बता पाए। फिर इसके बाद कोई और आएगा जो इनके काम को आगे बढ़ाएगा। साइंस यही तो है ना, साइंस और आर्ट में डिफरेंस क्या है, साइंस में क्या होता है कि जहां तक पिछला काम हुआ है उस काम के बाद आप आगे करते हो। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एटम इस तरीके से होता है, अब आपको यहां तक की नॉलेज पता चल गई, अब इसके आगे के बाद खोजना काम चालू करोगे, ठीक है। तो इसके आगे का खोजने का काम किसने किया, नील्स बोर ने किया। तो थॉमसन के काम को आगे बढ़ाया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड के काम को आगे बढ़ाया किसने, नील्स बोर ने। नील्स बोर में जो कमियां रही होंगी उसको कोई और साइंटिस्ट दूर किया होगा। तो साइंस में हमेशा जहां तक पास्ट वर्क में काम हुआ होता है उसके आगे का हम लोग देखते हैं। आर्ट्स में ऐसा नहीं होता, आर्ट्स में आपको क्या करना पड़ता है, एकदम शुरू से करना पड़ता है। जैसे खाना बनाना एक आर्ट है, तो आपकी मम्मी को अगर अच्छा खाना बनाना आता है तो उसका अच्छा खाना बनाने के बाद आप आगे अच्छा खाना बनाओगे, कोई जरूरी है क्या,
नहीं, आपको एकदम शुरू से सीखना पड़ेगा कि गैस कैसे ऑन करते हैं, माचिस कैसे जलाते हैं, बर्तन को कैसे रखते हैं, तेल कैसे डालते हैं, सब्जी कब डालना होता है, नमक कितना डालना होता है, वो एक आर्ट है। आपको पेंटिंग करनी है तो आपके घर वालों को पेंटिंग अच्छा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेंटिंग एकदम उसके आगे से शुरू करना है, आपको एकदम जीरो लेवल पर जाकर पेंटिंग सीखनी पड़ेगी। तो ये आर्ट्स और साइंस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो अब आगे का काम किसने किया, आगे का काम जो है नील्स बोर ने जो है समझाया, ठीक है। हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट सेल्स और ऑर्बिट, ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है, सेल है, ठीक है। जो सर्कुलर पाथ को उसी को हम लोग सेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसके आगे का जो काम है, रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को सही करने का जो काम हो, किसने किया था, नील्स बोर ने किया था। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, द एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द सर्कुलर पाथ। अगर हम लोग रदरफोर्ड की बात को माने तो रदरफोर्ड की बात को अगर हम लोग मानते हैं तो किसी भी एटम का सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं और उसके चारों तरफ जो होते हैं नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घूमते हैं। बट दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम। लेकिन ये जो एटम, ये जो है, हमको ये चीज नहीं समझाता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। बस इन्होंने ये तो बता दिया कि सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। तो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं तो कैसे घूमते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, देन शुड सिमिलरली चार्ज इलेक्ट्रॉन बी रिपल्स बाय ईच अदर और विल दे कोलाइड विद ईच अदर। अब यहां पर देखो, हमें पता है कि अगर सर्कुलर पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन अगर घूमते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि पहला सर्कुलर पाथ में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां पर दूसरे सर्कुलर पाथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे ना, तो ये इसको ढकेल के न्यूक्लियस में क्यों नहीं भेज देता है, या ये अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को दूर क्यों नहीं फेंक देता है, मतलब ये आपस में रिपल क्यों नहीं करते हैं, मतलब एक जैसे रास्ते पर ही क्यों घूमते हैं। इनमें तो रिपल्शन की प्रॉपर्टी है ना, तो एक दूसरे से दूर भागना चाहिए, लेकिन ये सर्कुलर पाथ में जो है कैसे घूमते हैं, तो इसके लिए इन्होंने जो है फिर सामने आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड द एटम, नील्स बोर आते हैं अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट बरी, स्ट्रगल विद दिस क्वेश्चन एंड कम अप विद द मॉडल कॉल द बोर्सबेरी स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन इन द एटम। अकॉर्डिंग टू द बोर्सबेरी स्कीम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सेल अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस सेल आर प्रेजेंटेड बाय द लेटर KLMN। अब सवाल यही था कि रदरफोर्ड भाई साहब बोल के नोबेल पुरस्कार तो ले गए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल कैसे नहीं करते हैं, और अगर सेंटर में, यहां पर सेंटर में अगर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी तो एक दूसरे को रिपल करते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो क्यों सेंटर में सारे पॉजिटिव एक साथ इकट्ठा हैं और क्यों बाहर में इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं, इसको समझाने के लिए नील्स बोर आते हैं और ये जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं और इनको भी नोबेल प्राइज फिर से मिल जाएगा, ठीक है। द सेल और ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड के सेल, मतलब न्यूक्लियस के सबसे पहले जो सेल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको हम लोग के सेल बोलते हैं, फिर अगले वाले को एल बोलते हैं, फिर अगले वाले को एम बोलते हैं, फिर अगले वाले को एन बोलते हैं, इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है घूमते हैं। अब देखो, जिस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप समझ लो कि आपका एटम है, सेंटर पे सोलर सिस्टम में कौन होता है, सन, तो सन के जगह मान लो न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ मरकरी हो गया, वीनस हो गया, हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, सब घूमते हैं ना, उसी तरीके से यहां पर जो है सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स पे जो है घूमते हैं। अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा समझा देता हूं कि क्यों किसी भी एटम के न्यूक्लियस में सारे के सारे पॉजिटिव एक तरीके से इकट्ठा होते हैं और क्यों नेगेटिव नेगेटिव जो है चारों तरफ घूमते हैं। तो यहां पर जो है पॉजिटिव पॉजिटिव को बांध के रखने का काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। मतलब किसी एटम के अंदर में तीन चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है जो चारों तरफ घूमता है, एक होता है प्रोटॉन जो कि सेंटर में होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन भी सेंटर में होता है। ये न्यूट्रॉन क्या करता है, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में बांध रखने का काम करता है और बड़े बैलेंस तरीके से इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से चारों तरफ घुमाने में क्या करता है, मदद करता है अलग अलग सेल में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक देखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं एक और वीडियो इस पर लेकर आऊँगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न जो है ना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।